नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे झारखंड आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग बहुत टॉपिक देखेंगे, झारखंड के जनजातियों का जो युवा गिरा होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे सभी जनजातियों का जो युवा गिरा है उसे किस किस नाम से जानते हैं और किस नाम से कौन सी जनजाति में इसे बोला जाता है, युवा गिरा में क्या होता है, तो ये सब हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला युवा गिरा हम लोग जानेंगे, युवा गिरा हम लोग युवा गिरा देखेंगे। सबसे पहला युवा गिरा हम लोग देखते हैं धूमकुड़िया। धूमकुड़िया तो धूमकुड़िया सबसे पहले पूछा जाता है कि धूमकुड़िया युवा गिरा जो है किस जनजाति का युवा गिरा है, तो ये उड़ाव का है। किसका है दोस्तों? उड़ाव का। ये धूमकुड़िया जो है युवा गिरा है उड़ाव का। इसमें मुख्य रूप से पूछा जाता है कि या फिर पूछा जाता है कि उड़ाव जनजाति का जो युवा गिरा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो धूमकुड़िया बोलते हैं, धूमकुड़िया हम लोग उसके बोलते हैं। दूसरा हम लोग देते हैं घोटूल। घोटूल तो ये किससे है? संथाल जनजाति से, संथाल जनजाति से, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे गीति ओड़ा। गीति ओड़ा ये है मुंडा, कोरा तथा अकुल, ये तीन जनजातियों का जो युवा गिरा है उसे हम लोग गीति ओड़ा बोलते हैं। नेक्स्ट है गोती ओड़ा। गोती आरा ये हो गया आपका हो जनजाति का। किसका हो गया? हो जनजाति का। नेक्स्ट है गीतियो। गीती ओड़ा, गोती आर या गीतियो, ये तो हम लोग को एक समान रखना है। गीतियो आपका हो जाएगा खड़िया जनजाति का। किसका हो जाएगा? खड़िया जनजाति का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गीति जो गीति जोरी। क्या है गीति जोरी? या फिर हो जाएगा गौरा, ये आपका आ जाएगा किसका? बिहोर का। बिहोर आदि जनजाति का आ जाएगा। उसके बाद आता है कोरवा। ये इसे क्वेश्चन पूछा गया है कैसे ने कि कोरवा कौन सी जनजाति का युवा गिरा है, तो ये हो जाएगा कोरवा हो जाएगा आपका पहाड़िया जनजाति का। पहाड़िया जनजाति का हो जाएगा कोरवा। तो मुख्य रूप से हम लोग इतना हम लोग का युवा गिरा देखना है। उड़ाव का कौन सा हो गया? धूमकुड़िया। संथाल का कौन सा हो गया? भोटू। मुंडा, कोरा और असुर का कौन सा हो गया? गीतियो। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया है कि कोरा जनजाति का जो युवा गिरा है उसे क्या कहते हैं? गीतोड़ा कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और गोती आरा बोलते हैं गो का, गीतियो बोलते हैं खड़िया जनजाति का, और गीति जोड़ी या गौरा बिहोर का बोलते हैं। कोड़वा जो कि पहाड़िया जनजाति का हम लोग जो युवा गिरा को उसको हम लोग कोड़वा बोलते हैं। में जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बिरहोर में लड़कों को जो मुख्य रूप से बिरहोर में लड़कों को जो गतिवड़ा जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग दो कथी में बोल सकते हैं। इसमें जो लड़कों का होता है उसे डोंडा बोला, डोंडा कांठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोंडा कांठा। और जो लड़की लोग का जो वगैरह होता है उसे हम लोग बोलते हैं ढींडी कुंडी। क्या बोलते हैं दोस्तों? डीडी को। उड़ाव जनजाति में जो युवा गिरा है उसे लोग गिदी जोरी या गौरा बोलते हैं। इसमें जो लड़कों का जो युवा गिरा होता है उसे लोग डोंडा काठा बोलते हैं, और जो लड़कियों का होता है उसे हम लोग डीडी कुंडी बोलते हैं। डीडी कुंडी लड़कियों को हम लोग ये कहा जाता है। तो ये हम लोग मुख्य रूप से अभी देखें युवा गिरा एवं उससे संबंधित जनजाति। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो शुरू करेंगे हम लोग विभिन्न जनजातियों की प्रमुख भाषा देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? विभिन्न जनजातियों की प्रमुख भाषा।
भाषा देखा जाए तो मुख्य रूप से भाषा जो समूह है वो कितने भागों में यहाँ बांटा गया है, तो तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन है? प्रोटोस्टोलाइट, आस्ट्रोलाइट और द्रविड़। तो हम देखेंगे कि प्रोटोस्टोलाइट में कौन कौन सी जनजाति आती है, द्रविड़ियन में कौन कौन सी जनजाति आती है और आस्ट्रोलाइट में कौन कौन सी जनजाति आती है। तो सबसे हम एक भाषा देखेंगे प्रोटोस्टोलाइट। प्रोटोस्टोलाइट हम लोग देखेंगे तो प्रोटोस्टोलाइट में कौन कौन सी जनजाति आ जाएगी, तो संथाल हो, खड़िया, लोहरा भूमिज, भूमि आ जाएगा आपका। उसके बाद फिर ये हमको जनजाति, उसके बाद के थ्री, इसको ठीक हम लोग लगा सकते हैं दोस्तों। के थ्री इसमें आ जाएगा, के थ्री में मुख्य रूप से कौन कौन आ जाएगा, कोरा, कवर और कोल। तो ये जनजाति कुछ है, जनजाति जो 24 जनजाति है, टोटल जनजाति 32 है, लेकिन हम जनजाति की बात कर रहे हैं, आदिम जनजाति नहीं। तो ये जनजाति में अगर देखा जाए तो प्रोटोस्टोलाइट जो प्रजाति जो समूह है उसमें कौन कौन आ जाएगा, तो संथाल हो, खड़िया, लोहरा, भूमि और केथरी। ठीक याद रखिए दोस्तों, केथरी, केथरी में आ जाएगा कोरा, कवर, कोल। क्या क्या आ जाएगा इसमें, केथरी में कोरा, कवर और कोल आ जाएगा। उसके बाद फिर हम आदिम जनजाति में देखते हैं कि आदिम जनजाति का जो भाषा प्रोटोस्टोलाइट है, प्रजाति प्रोटोस्टोलाइट है, उसमें कौन कौन से आ जाएगा। आदिम जनजाति में देखें तो आठ आदिम जनजाति में इसमें आ जाएगा, वो जो वो हो जाएगा आठों आदिम जनजाति इसी में आ जाएगा। ठीक है, आठों आदिम जनजाति आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका इसमें आ जाएगा और आ जाएगा गुड़ाइत और चेर, या चेरो भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा। अब हम आते हैं आस्ट्रोलाइट देखते हैं। आस्ट्रोलाइट में आ जाएगा आपको मुंडा और कर्मांगी, मुंडा और कर्मांगी। तो ये आस्ट्रोलाइट में मुख्य रूप से दो ही आते हैं, मुंडा और कर्मांगी, जिसे हम लोग देखते हैं द्रविड़ का। द्रविड़ में आ जाएगा कुराव, और बी फोर, इसको यहाँ बी फोर जाता है, वहाँ बी थ्री कौन बना गया था, कोरा, कवर और कोल, जो कि प्रजाति इसका प्रोटोस्टोलाइट में था। द्रविड़ प्रजाति में हम लोग देखें तो इसमें उराव, खरवाल और बी फोर में हम लोग देखेंगे तो कौन कौन, बस जितना आ जाएगा दोस्तों एक हम लोग यहाँ आ जाएगा, बस कौन बना जाएगा, बैगा, बेबिया, बैगा, बेजिया, बथुई और बेजिया, ये बी फोर इसमें आ जाएगा, चार आ जाएगा। उसके बाद ये अलग से देखें तो गोंड, खोंड हो गया और गोंड हो गया, महली हो गया, चीख बराक हो गया और किसान, और एक लास्ट है किसान जनजाति। तो ये हमारा द्रविड़ में हम आ जाएगा। पहला ये हम मुख्य रूप से जो 32 जनजातियाँ हैं, तो ये 32 जनजातियों का जो भाषा प्रजाति है वो ये कौन से पूछा जाता है कि कौन से जनजाति कौन सा प्रजाति में आता है। तो ये हम लोग देखें कि प्रोटोस्टोलाइट में मुख्य रूप से संथाल हो, खड़िया, लोहरा, भूमिज, गुणाई, चेरो और के थ्री के रूप में आ रखिएगा कोरा, कवर और कोल। आदिम जनजाति देखा जाए तो आठवा आदिम जनजाति इसी में आएगा और प्लस में आपका आ जाएगा गुणाई, चेरो। अस्ट्रोलाइट में देखें तो अस्ट्रोलाइट में मुख्य रूप से दो आते हैं, मुंडा और करमाली। द्रविड़िया में देखें तो द्रविड़िया में बहुत सारे लोग हैं, उराव हैं, करवाल हैं और
आपका भीम को दिमाग रखना है, बाइगा हो गया, बेदिया हो गया, बसुरी हो गया और भिंजिया, ये चार जो है चारों भीम को बाबा से ही आता है, तो याद रखिएगा। घूम हो जाएगा, खून हो जाएगा, महली हो जाएगा, तिब्रायक हो जाएगा और ईसाई। तो ये हम लोग देखिए प्रजाति निर्धारक है कि कौन से जनजाति का कौन सा प्रजाति है, तो ये हम लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इसमें कि सभी प्रकार की जनजातियाँ जो होता है, जो है ना, जो सभी प्रकार की जनजाति हैं उसमें क्या पाया जाता है, आस्ट्रो एशियाटिक या एशियाटिक भाषा परिवार होता है। क्या होता है? आस्ट्रो एशियाटिक, आस्ट्रो एशियाटिक या हो जाएगा ऑस्ट्रिक, क्या हो जाएगा भाषा परिवार। भाषा परिवार हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि ऑस्ट्रो एशियाटिक या एशियाटिक में इसमें कौन कौन आ जाएगा, खड़िया आ जाएगा, वो आ जाएगा, कोरा आ जाएगा, ठीक है, फिर मुंडारी आ जाएगा। ये जो भाषा है, खड़िया भाषा, हो भाषा, कोरा भाषा, मुंडारी भाषा, ये भाषा परिवार में किसमें आ जाएगा, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक या आस्ट्रिक भाषा समझ में आ जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं सदानी या सदान भाषा को बना जाएगा, सदानी या सदान भाषा में कौन कौन आ जाएगा, तो इसमें देखेंगे हम लोग। इसको अगर बाकी पूछा, ये भी पूछा जाता है कि सदानी या सदान भाषा जो कौन से परिवार में आता है, इंडो आर्यन परिवार, इंडो आर्यन परिवार, इसमें आ जाएगा इंडो आर्यन भाषा परिवार में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंधी मुंडा और जो भाषा संबंधित है, सिंधी भाषा और मुंडा भाषा, ये भी इसी से संबंधित है, कौन कौन, सिंधी और मुंडा भाषा, ये भी आपका इसी से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग ये भाषा समूह देख लीजिए और प्रजाति हम लोग देख लीजिए, भाषा समूह देखिए, तो इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे झारखंड के प्रमुख जो जनजाति है उसका प्रमुख देवता भी पूछा जाता है, तो उसको हम लोग बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो तक यहीं तक हम लोग बताते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।